हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले दिन हमने पढ़ लिया था कि आपका क्रिस्टलों के दोस्त के बारे में, क्रिस्टलों में आपके तीन प्रकार के दोस्त पाए जाते हैं। तो पहला क्या था आपका, स्टाइकियोमेट्री दोस्त था। दूसरी क्या थी आपकी, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोस्त थी। और तीसरी आपकी अशुद्धि दोस्त थी। अब हम बात कर लिए थे कि रस समीकरण मिति दोष क्या होता है, जिसको हम स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। तो रस समीकरण मिति वह दोष होता है जिसमें क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है, एक जैसा बना रहता है, उसे हम रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जैसा कि कल हमने आपसे वादा किया था कि आज हम बात करेंगे आपके साटकी और ट्रायंगल दोष के बारे में। तो ठीक है बच्चों, बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात करेंगे आपका साटकी दोष। साटकी दोष तथा ट्रायंगल दोष तथा ट्रायंगल दोष में क्या अंतर है मेनली, तो यहाँ पर हम आपका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साटकी दोष की। तो साटकी दोष क्या होता है, तो हमने कल बताया था आपको कि जो आपकी साटकी दोष होती है, जो आपकी साटकी दोष होती है वह आती है आपकी यहाँ से रिक्ति दोष से, वह आपकी यहाँ से आती है रिक्ति दोष से। और जबकि कल हमने बताया था आपको जो आपका फ्रैंकल दोष होता है, जो आपका फ्रैंकल दोष होता है वह आता है आपका कहाँ से, अंतराकाशी दोष से, अंतराकाशी दोष से। तो बात करते हैं तो अंतराकाशी दोष और फ्रैंकल दोष, तो कहने का मतलब दोनों एक ही हैं। जो आपका अंतराकाशी दोष है उसे हम फ्रैंकल दोष भी कह सकते हैं, जो आपका रिक्ति दोष से हम क्या कह सकते हैं, साटकी दोष भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है हम कैसे बताएं कि साटकी दोष क्या है। तो आप जानिए कि जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। और साटकी दोष में जो निर्माण होता है, रिक्ति का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम रिक्ति दोष भी कहते हैं। तो ठीक है, आओ इस पर हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले यदि बात करें पहले पॉइंट की, जब समान संख्या में, जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो इसे साटकी दोष कहते हैं, तो इसे साटकी दोष कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला बच्चों, कहने का ये मतलब निकला कि जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन आपकी क्रिस्टल से बाहर चले जाए तो कौन सी दोष आएगी, साटकी दोष होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे सपोज करते आपका ये कोई क्रिस्टल है और जो आपकी जो ये क्रिस्टल है, आपकी जो ये क्रिस्टल है इसमें मानते हैं आपके दो प्रकार के आयन हैं, एक ए प्लस है और एक क्या है, बी माइनस है। एक क्या आपका ए प्लस है और एक क्या आपका बी माइनस है। तो बी माइनस है तो यहाँ पर ए प्लस होगा, यहाँ पर ए प्लस है तो क्या होगा आपकी, बी माइनस होगा। अगर यहाँ पर बात करें कि आपका ये साटकी दोष कैसे दर्शाएगा, यदि हम बात करें ये आपकी साटकी दोष कैसे दर्शाएगा, यदि यहाँ से आपके समान संख्या में धनायन और ऋणायन कहाँ चले जाए, क्रिस्टल से बाहर चले जाए, यदि समान संख्या में धनायन और ऋणायन आपके क्रिस्टल से बाहर चले जाए तो आपका रिक्ति दोष होगा, मतलब साटकी दोष होगी। तो जैसे सपोज कर देते हैं यहाँ से आपका ये क्रिस्टल से बाहर जा रहा है और यहाँ से आपका
ये क्रिस्टल से बाहर जा रहा है। अब यहाँ से आपका ये क्रिस्टल से बाहर जा रहा है, यहाँ से ये आपका क्रिस्टल से बाहर जा रहा है, मतलब B माइनस, और यहाँ से A प्लस बाहर जा रहा है, तो आपका क्या निर्माण होगा? A प्लस, और आपका क्या होगा फिर? यहाँ पर रिक्ति बन जाएगी आपकी, और फिर यहाँ पर आपका क्या होगा? A प्लस होगा, और यहाँ पर क्या है? B माइनस है, और यहाँ पर आपकी रिक्ति बनेगी, क्योंकि ये आपके क्रिस्टल से बाहर चले गए हैं, ठीक है बच्चों? और यहाँ पर क्या रहेगी? आपकी B माइनस रहेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगी? B माइनस रहेगी। तो ये क्या है आपका? शाटकी दोष है, रिक्ति दोष है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन रहे हैं? रिक्ति बन रही है। यहाँ पर क्या निर्माण हो रही है आपकी? रिक्ति का निर्माण हो रही है, तो इसलिए इस दोष को हम क्या कहते हैं? इसलिए शाटकी दोष को रिक्ति दोष भी कहते हैं। इसलिए शाटकी दोष हम क्या कहते हैं? रिक्ति दोष भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करें आपके फ्रैंकल दोष की, इसके आगे में पॉइंट्स अभी बताएंगे आपको क्या क्या इसको अंतर में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, तो अभी हम आपको बता रहे हैं, तो ठीक है। जो सबसे पहले हम बात कर रहे थे थोड़ा सा आपका फ्रैंकल दोष क्या है, तो जिस प्रकार से आपने देखा कि जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन आपके क्रिस्टल से बाहर चले जाए तो कौन सा दोष होगा? रिक्ति दोष होगी, शाटकी दोष होगी। और लेकिन फ्रैंकल दोष क्या है? जब कोई धनायन अपने जालक बिंदु से अंतराकाश में चला जाए तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? फ्रैंकल दोष होगा। तो कहने का क्या मतलब निकला कि जब कोई धनायन अपने जालक बिंदु से क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाता है तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला कि जब कोई धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाए, जो क्रिस्टल का अंतराकाश है अगर वहाँ पर चला जाए तो बना आपका दोष क्या कहलाएगा? फ्रैंकल दोष कहलाएगा। तो ठीक है, यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सिर्फ समझाएंगे कैसे, तो जैसे आपका ये कोई क्रिस्टल रहा और यहाँ पर आपका जो जालक बिंदु है, जालक बिंदु में आपके दो प्रकार के एक धनायन है और एक आपका क्या है? ऋणायन है। तो धनायन कौन सा है? तो धनायन आपका A प्लस है और ऋणायन क्या है? आपका B माइनस है। तो यहाँ पर हमने कर दिया A प्लस और यहाँ पर क्या है? B माइनस। यहाँ पर क्या है? आपका A प्लस। यहाँ पर क्या है? B माइनस। यहाँ पर क्या है? आपका A प्लस और क्या है? आपका B माइनस। यदि यही आपका सपोज करते ये आपका कोई धनायन कहाँ पर चला जाए? क्रिस्टल का ये जो आपका अंतराकाश दिख रहा है यहाँ पर चला आए, क्रिस्टल कहाँ पर है? अंतराकाश में चला है, तो आपका बना दोष क्या कहलाता है? आपका फ्रैंकल दोष कहलाता है। तो आपका बना दोष क्या कहलाता है बच्चों? फ्रैंकल दोष कहलाता है। तो आपका बना दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब B माइनस हो गया, यहाँ पर आपका A प्लस आ गया और यहाँ पर आपका B माइनस है और यहाँ पर आपका A प्लस है और यहाँ पर क्या है? B माइनस है। तो ये आपका जो धनायन था कहाँ पर आज अंतराकाश में चला आया है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? A प्लस। और इस जगह हम क्या बोलते हैं? अंतराकाश बोलते हैं, अंतराकाश। अब आपका धनायन कहाँ पर है? अंतराकाश में आ रहा है, इसलिए हम इसे अंतराकाशीय दोष भी कहेंगे। तो कहने का क्या मतलब निकला? तो कहने का ये मतलब निकला कि फ्रैंकल
फ्रैंकल दोष को अंतराकाशीय दोष भी कहते हैं, अंतराकाशीय दोष भी कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब बात करें थर्ड पॉइंट की, आपका थर्ड पॉइंट क्या होता है। तो यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो ये बताइए यहाँ पर जो समान संख्या में आपके धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। यदि समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाएंगे तो क्रिस्टल का जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी आएगी, उसमें कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि आपके धनायन और ऋणायन कहाँ पर गए, क्रिस्टल से बाहर चले गए। तो ठीक है बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि आपका साठ की दोष में क्रिस्टल के घनत्व में, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। और जबकि फ्रैंकल दोष में आपका क्रिस्टल का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो क्या होती है बच्चों? अपरिवर्तित रहती है। तो कहने का क्या मतलब निकला कि थर्ड पॉइंट आपका फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व, अपरिवर्तित बच्चों क्या रहेगा आपका, क्रिस्टल का घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। तो कहने का क्या मतलब निकला, फ्रैंकल दोष को हम अंतराकाशीय दोष भी कहते हैं, जबकि आपका जो फ्रैंकल दोष होगा उसमें जो क्रिस्टल का घनत्व तो होगा उसमें भी आपकी क्या आएगी, कमी आएगी। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। इसे आप थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि आपकी क्रिस्टल में क्या होगा, साठ की दोष होगा कि क्या होगा, फ्रैंकल दोष होगा। तो ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो साठ की दोष कब होता है कि जब धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि जब धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है तो वहाँ पर आपका साठ की दोष होता है, और जब धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में कम हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा दोष होता है बच्चों? फ्रैंकल दोष होता है। यदि धनायन और ऋणायन का आकार क्या होगा बच्चों? लगभग समान होगा तो आपका साठ की दोष रहता है, और यदि आपका धनायन का आकार छोटा हो जाए किससे? ऋणायन से, तो आपका कौन सा दोष होगा? फ्रैंकल दोष होगा। तो कहने का क्या मतलब निकला, फोर्थ पॉइंट, साठ की दोष में, साठ की दोष में धनायन तथा ऋणायन का आकार क्या होता है? धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, लेकिन आपका जो फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष में, ऋणायन का आकार, धनायन की तुलना में, ज़्यादा होता है। तो ठीक है बच्चों, ऋणायन का आकार क्या होगा? धनायन की तुलना में ज़्यादा होता है, तो आपका क्या होगा? फ्रैंकल दोष होगा। जब धनायन और ऋणायन का आकार क्या होगा बच्चों? लगभग समान होगा तो आपका आएगा साठ की दोष आएगा, और जब आपका धनायन का आकार छोटा हो जाएगा ऋणायन से, तो कौन सा दोष आएगा बच्चों? फ्रैंकल दोष आएगा। तो बात करते हैं आपके अगले पॉइंट की, जो क्षार धातुओं के हैलाइड होते हैं, जो आपके क्षार धातुओं के
हाईलाइट होते हैं वह आपके दर्शाते हैं 60 के दोस्त, और जो आपके एजी के हाईलाइट होते हैं, सिल्वर के हाईलाइट होते हैं, वह आपके क्या होते हैं, दर्शाते हैं आपका फ्रैंकल दोस्त। और एक बातें गौर करके चलिएगा, एक होता है एजी बी आर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आपका 60 की दोस्त भी दिखाता है और फ्रैंकल दोस्त भी दिखाता है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ऐसा पाया गया है कि ए जी प्लस और बी आर माइनस का आकार न तो लगभग समान है और न तो बहुत ही ज़्यादा दोनों में अंतर है, तो इसलिए इसमें आपके 60 की दोस्त और फ्रैंकल दोस्त दोनों पाया जाता है। यह एग्ज़ाम के हिसाब से एक नंबर में आने वाले में बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी है कि यह क्वेश्चन आपसे पूछी जाए। तो ठीक है, यदि हम बात करें क्षार धातु की हाईलाइट आपके 60 की दोस्त दिखलाते हैं और आपके सिल्वर के हाईलाइट फ्रैंकल दोस्त दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्षार धातु के हाईलाइट साठ की दोस्त दिखलाते हैं, क्षार धातुओं के हाईलाइट साठ की दोस्त दिखाते हैं, जबकि सिल्वर के हाईलाइट फ्रैंकल दोस्त दिखाते हैं, जबकि सिल्वर के हाईलाइट क्या दिखाते हैं बच्चों? फ्रैंकल दोस्त दिखलाते हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके कुछ एग्जांपल्स की, और एग्जांपल से पहले आपकी हम बात कर लेते हैं कि उपसह संयोजन संख्या की, मतलब समन्वयन संख्या की, जब आपकी समन्वयन संख्या निम्न होती है तो आपका होता है फ्रैंकल दोस्त, और जब समन्वयन संख्या क्या होती उच्च होती है, मतलब 6 होगी या 7 होगी या फिर 8 जाएगी, तो आपके आ जाता है 60 की दोस्त। तो कहने का क्या मतलब निकला बच्चों? तो ये मतलब निकला कि उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिक 60 की दोस्त दिखलाते हैं, 60 की दोस्त देते हैं, और जबकि निम्न समन्वयन संख्या वाले आपके जो यौगिक होंगे, जो आपके क्रिस्टल होंगे, वो कौन से दोस्त देंगे? फ्रैंकल दोस्त देंगे। तो कहने का क्या मतलब लिख रहा कि निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिक फ्रैंकल दोस्त देते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल की। तो यदि हम बात करें इनके उदाहरण की, तो जैसे आपका सोडियम ब्रोमाइड NaBr सोडियम आयोडाइड NaI etc, और आपका एक एग्जांपल और याद रखिएगा कि AgBr etc में आपका कौन सा दोस्त मिलेगा? 60 की दोस्त मिलेगा। और यदि हम बात करें फ्रैंकल दोस्त के उदाहरण की, बच्चों, तो क्या रहेगा आपका? जैसे आपका AgCl, जैसे बच्चों आपका AgBr, जैसे बच्चों आपका AgI etc, तो ये आपके कौन सा दोस्त देंगे? ये आपका देंगे फ्रैंकल दोस्त। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ हम देख रहे हैं कि स्टार्ट पॉइंट इसे बना लीजिएगा कि AgBr आपका 60 की दोस्त भी देता है, और AgBr बच्चों
आपका ट्रायंगल दोष भी देता है। तो ये सबसे ज़्यादा बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है कि बताइए कि AZBR 60 की दोष देगा कि ट्रायंगल दोष या तो दोनों देगा। इसके पीछे आपसे रीज़न कभी कभी पूछ लेता है या तो कभी कभी आपसे आपका बहुविकल्पी टाइप की क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताएंगे, यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे कि आपका जो AZBR है सिल्वर ब्रोमाइड आपका 60 की डोज भी देता है और आपका फ्रैंकल डोज भी देता है, तो क्यों देता है इसके पीछे का रीज़न भी हम सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसके पीछे का हम रीज़न भी सीखेंगे। तो कहने का क्या मतलब निकला, क्वेश्चन क्या है आपका, AZBR 60 की, AZBR 60 की तथा ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, AZBR 60 की तथा फ्रैंकल दोनों दोष देता है क्यों। आपका AZBR 60 की दोष भी देता है और आपका फ्रैंकल दोष भी देता है, तो क्यों देता है इसके बारे में और सीखे। तो इसके बात करें हम सल्यूशन की, तो हम जानते हैं कि सिल्वर आयन AZ प्लस तथा ब्रोमाइड NBr माइनस का आकार न तो लगभग समान होता है न तो लगभग न तो लगभग समान होता है और न ही बहुत ज़्यादा अंतर होता है और न ही आकार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसलिए बच्चों आपका जो AZBR है 60 की और फ्रैंकल दोष दोनों देता है, तो इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड 60 की तथा फ्रैंकल दोष देता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और आपके एग्ज़ाम में हो सकता है एक नंबर में आए और हो सकता है आपका एक नंबर में बहुविकल्पी पूछ ले। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट प्लीज़ फोकस इट। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आपके दूसरे दोस्त की जो आपका होता है अरस समीकरण मिति दोस्त, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री दोस्त। जैसे कि हमने पिछले कुछ ही लेक्चर में पढ़ा कि जब आपका धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या रहे, बराबर रहे, मतलब रस समीकरण मिति क्या रहे, बराबर रहे, स्थिर रहे, तो आपका कौन सा दोष होगा, रस समीकरण मिति दोष, स्टाइकोमेट्री दोष होगा। लेकिन यदि आपका यही अनुपात अस्थिर हो जाए, धनायन का एक अलग अनुपात हो और ऋणायन एक अलग अनुपात में हो, मतलब कहने का धनायन की संख्या अलग हो ऋणायन की संख्या अलग हो, तो आपका जो दोष होगा उसे हम क्या कहेंगे, अरस समीकरण मिति दोष कहेंगे। तो कहने का क्या मतलब निकला, तो हम लगा रहे हैं आपका हेडिंग अरस समीकरण, अरस समीकरण मिति दोष। तो कहने का मतलब इसे हम क्या कहते बच्चों, नॉन स्टाइकियो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। तो ये क्या होगा, तो इसके बारे में यदि हम बात करें इसके डेफिनेशन की, इसे हम बताएंगे कैसे, तो आप कह सकते हैं वह दोष
जिसमें वह दोस्त जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात अस्थिर रहता है तो उसे अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। और यह दोष आपका स्थिर अनुपात का नियम का पालन नहीं करता है, जबकि आपका रस समीकरण मिति दोष स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। तो कहने का क्या मतलब निकला कि यह मतलब निकला कि नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। ये आपका स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। तो ठीक है बच्चों, हमने इसके बारे में देख लिया कि आपका अरस समीकरण मिति दोष क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे आपके अरस समीकरण मिति दोष के टाइप्स की। यदि आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसे शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आपकी अगली हेडिंग की, जो आपका है धातु आधिक्य दोष और आपका है धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य क्या मतलब है? धातु आधिक्य का क्या मतलब है कि यदि आपका कोई क्रिस्टल है और यदि उसमें धातु की अधिकता हो जाए, आपके धनायन की अधिकता हो जाए, तो आपका क्या होगा? धातु आधिक्य दोष होगा। और धातु न्यून दोष क्या होगा? यदि क्रिस्टल में ऋणायन की यदि आपके क्रिस्टल में धनायन की कमी हो जाए, मतलब ऋणायन की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए, तो क्या हो गया? आपकी धातु न्यून दोष होगा। तो कहने का क्या मतलब निकला? यदि हम बात करें धातु आधिक्य दोष की, यदि हम बात करें किसके बच्चों? धातु आधिक्य दोष की। जैसे कि हमने आपका कोई क्रिस्टल यहाँ पे बनाया, और यदि इस क्रिस्टल में आपके धनायन और ऋणायन इस प्रकार से मौजूद हैं, ए प्लस है, यहाँ पर का बी माइनस है, और यहाँ पर क्या बच्चों? ए प्लस है, यहाँ पर क्या होगा? बी माइनस, यहाँ पर क्या होगा? आपका ए प्लस है। क्यों होगा? क्योंकि बी माइनस हो तो ए प्लस होगा, तो ए प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? बी माइनस होगा। इस प्रकार से है। और यदि धातु आदि की क्या दोष है, तो मतलब आपकी यहाँ पर धातु की क्या होनी चाहिए? अधिकता होनी चाहिए। अब धातु की अधिकता कब हो सकती है? यदि आपका विलयन से अंतराकाश में कोई धनायन चला आए तो क्या होगी? आपकी धातु की अधिकता होगी और आपका दोष क्या कहलाएगा? धातु आधिक्य दोष कहलाएगा। लेकिन बच्चों एक बात आप गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर यदि हम धनायन की अधिकता करेंगे तो ऋणायन की अधिकता क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी। और ऋणायन की अधिकता जो होगी घट जाएगी तो उसके अनुपात को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी विलयन से आपके अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि यदि विलयन से आपके धनायन कहाँ पर प्रवेश कर जाए? अंतराकाश में प्रवेश कर जाए और आपके और विलयन से इलेक्ट्रॉन भी क्या प्रवेश कर जाए? अंतराकाश में प्रवेश कर जाए, तो आपका कौन सा दोष होगा? धातु आधिक्य दोष होगा।
क्यों? क्योंकि आपके धनायन और ऋणायन का अनुपात स्थिर रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आपका क्रिस्टल बना रहेगा। तो कहने का क्या मतलब, जब विलयन से धनायन क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए विलयन से इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं बच्चों, तो उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो क्या आता है बच्चों, तो उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो इसे हम क्या कहें बच्चों, धातु आधिक्य दोष कहेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी धातु न्यून दोष क्या होता है और उसके बारे में हम सीखें। धातु न्यून दोष मतलब धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष क्या होता है बच्चों, आओ उसके बारे में हम सीखें। तो धातु न्यूनता दोष, तो धातु न्यूनता दोष क्या होगा, यदि आपके क्रिस्टल में धनायन की कमी हो जाए, कहने का मतलब धनायन आपके कहां पर चले जाए, क्रिस्टल से बाहर चले जाए। जैसे आपका ये कोई क्रिस्टल है बच्चों, ये आपका क्या है, कोई क्रिस्टल है, और क्रिस्टल के जो अवयवी स्थान है, जो आपके जालक बिंदु हैं, वहाँ पर क्या मौजूद है आपके, धनायन और ऋणायन मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर सपोज करते ए प्लस है, यहाँ पर बी माइनस, यहाँ पर ए प्लस है, यहाँ पर बी माइनस है, यहाँ पर क्या होगा आपका बच्चों, ए प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, बी माइनस होगा। यदि यहाँ से कोई धनायन, ऐसा नहीं कि एक धनायन, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यदि आपके धनायन विलयन में चले जाए, क्रिस्टल से विलयन में चले जाएं, तो उसे हम कहेंगे धातु न्यूनता दोष। तो जैसे कि आपका यही है, ये आपका धनायन कहाँ चला जाए, क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो कहने का क्या मतलब है, क्रिस्टल से बाहर। और यदि क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो क्या धनायन का जो चार्ज है कुल मिलाकर के कम हो जाएगा, और यदि धनावेश आपका कम हुआ तो धनावेश को कोई धनायन बढ़ाना चाहेगा, तो आपके जो धनायन मौजूद हैं अब ये भी स्थानों पर, तो वह अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि आपका FeO होता है, तो इसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। यदि हम आयरन ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो पाया गया है कि आपका जो Fe2+ है वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe+3 में। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, Fe2+ किसमें जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है। तो मतलब आपका जो आयरन ऑक्साइड है इसमें कौन सा दोष होगा, धातु न्यूनता दोष होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, धातु न्यूनता दोष होगा। तो आओ इस पर हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि जब
क्रिस्टल के धनायन, जब क्रिस्टल के धनायन अपने जब क्रिस्टल के धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बच्चों जब क्रिस्टल के धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए शेष धनायन जितनी आवश्यकता होगी उतने धनायन, तो कहने का क्या मतलब है, शेष धनायन अपने आक्सीकरण अवस्था, शेष धनायन अपने आक्सीकरण अवस्था अपने आक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देते हैं। क्या बच्चों, अपने आक्सीकरण अवस्था को क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बच्चों इसे धातु न्यूनता, बच्चों तो इसे हम क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। और आपको एक बात पता है कि कौन से तत्व अपने आक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित करते हैं, तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं अपने आक्सीकरण अवस्था को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था परिवर्तित करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है आपके सामने, परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था क्यों प्रकट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यस और जो आपका डी कक्षक है वह दोनों पास पास होते हैं, तो इसलिए ये आपके डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे में हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व धातु न्यूनता, धातु न्यूनता दोष दिखाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, धातु न्यूनता दोष दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये तो आपका रहा आयरन ऑक्साइड किसके लिए रहा, धातु न्यूनता दोष के लिए रहा। लेकिन इसके पहले हमने बात किया था धातु आधिक के दोष का, तो धातु आधिक के दोष का जो एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, तो हमने आपके धातु आधिक के दोष का एग्जांपल क्या हो सकता है, धातु आधिक के दोष, धातु आधिक के दोष का एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह आपका ब्रेक होता है किसमें, Zn2+ में 1/2O2 और +2e इलेक्ट्रॉन। जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो Zn2+ आयन क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए
आपके जो ये विलयन, आपके जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भी क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसे हम किसके अंतर्गत देखते हैं? धातु आदिक के दोष के अंतर्गत देखते हैं। तो कहने का मतलब, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो Zn2+ आयन क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्जाम में बने। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपके लास्ट दोष की बात करेंगे, जो है आपका अशुद्धि दोष। आओ सीखें। तो बच्चों हम बात करेंगे आपकी अशुद्धि दोष को। तो अशुद्धि दोष क्या होता है? जब किसी एक आयनिक क्रिस्टल में दूसरे प्रकार के धनायन भी आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम अशुद्धि दोष कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला? अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष। तो इसमें क्या मतलब निकला आपका? जब जब एक प्रकार के क्रिस्टल में धनायन आ जाते हैं तो उसे आ जाते हैं तो उसे अशुद्धि दोष तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे आपका? अशुद्धि दोष कहेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, अशुद्धि दोष कब फॉर्म होगा, किस क्रिस्टल में अशुद्धि दोष पाई जाती है? जैसे कि आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, जब हम सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड मिलाते हैं बच्चों, तो आपका स्ट्रॉन्शियम आयन सोडियम आयन को क्या करता है? उसके जालक बिंद से प्रतिस्थापित कर देता है और आपका क्या जनरेट हो जाता है? अशुद्धि दोष जनरेट हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो जैसे में हम बात करें, जैसे जब सोडियम क्लोराइड के
जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जब सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो स्ट्रॉन्शियम आयन Sr2+ आयन, तो बच्चों Sr2+ आयन स्ट्रॉन्शियम आयन दो सोडियम आयन को उसके जालक बिंदु से प्रतिस्थापित कर देता है। उसके जालक बिंदु से क्या करते हैं बच्चों, प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे यदि यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक सोडियम क्लोराइड का हमने क्रिस्टल बनाया, यहाँ पर सपोज करते हैं आपका Na है, सोडियम आयन, ये आपका है क्लोराइड आयन, और बच्चों यहाँ पर क्या है आपका सोडियम आयन है, और यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए Na+ आयन है, पॉजिटिव है, निगेटिव इसके नीचे होगा, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन होगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा Na+ आयन होगा, और यहाँ पर बच्चों आपका क्या होगा Cl- आयन होगा। तो ठीक है, ये बात आप गौर से देखिए, यदि हम सोडियम क्लोराइड में बच्चों क्या मिला दें आपका, यदि हम सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को मिलाएं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका स्ट्रॉन्शियम आयन है बच्चों, वह दो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो जो आपका स्ट्रॉन्शियम आयन है दो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, और तो आपका इस प्रकार का जो दोष होगा तो उसे हम क्या कहेंगे आपका अशुद्धि दोष कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो आपका क्रिस्टल बना हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सोडियम आयन के स्थान खाली हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक आपका सोडियम आयन यहाँ पर था, हियर इज वन सोडियम आयन इज प्रेजेंट, एंड यहाँ पर क्या है आपका दूसरा आयन प्रेजेंट था, तो दोनों आयन को किसने प्रतिस्थापित कर दिया, स्ट्रॉन्शियम आयन ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो बच्चों आपका कौन सा दोष हो गया, अशुद्धि दोष हो गया। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ठोस अवस्था चैप्टर खत्म होती है, थ्योरी पोर्शन आपका खत्म हो चुका है, और बचा हुआ है बच्चों आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, आंकिक प्रश्न। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आपका देखते हैं आंकिक प्रश्न कैसे करेंगे, और ठीक है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स से बच्चों ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले दिन, गुड बाय।